देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, खास करके क्योंकि मुझे याद है जब मैंने मेरा क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था, तो मैं कहूँगा मेरे दो कोचेस, एक तो घर में ही था मेरा बड़ा भाई अजीत, जिसने मुझे गाइड किया पूरे मेरे करियर में, और दूसरे ऑफकोर्स हमारे आचरेकर सर। तो उनकी जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रही है मेरे करियर में, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सिर्फ उन्हीं के वजह से हूँ। वो मेरे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल थे कि जब हम छोटे थे और हम जिस तरह से प्रैक्टिस करते थे और सर हमें वो प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे, तो मैं यही समझता हूँ कि जिस गेम ने मुझे आज सब कुछ दिया है लाइफ में, उसी गेम को मैं कुछ वापस दे सकूँ। और मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स वो हमारे यहाँ अकेडमी में अभी ज्वाइन हुए, उनको एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं कि जिसपे वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर पाए और जो भी उन्हें लाइफ में बनना है वो बने, क्योंकि ये क्लब, ये ऐसा क्लब है कि यहाँ पे हमारे तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी में तीन चीज़ें हैं, एक सिर्फ एकेडमी है क्रिकेट की, दूसरा स्पोर्ट सेंटर है, और आज ये जो डीवाई पाटिल सेंटर है यहाँ पे एक क्लब हो रहा है। तो डीवाई पाटिल स्टेडियम स्पोर्ट सेंटर और टीएमजीए की पार्टनरशिप हुई आज, और ये क्लब ऐसा है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ जो भी बच्चे अभी यहाँ पे कैंप में आ रहे हैं, उन्हें ये चाहे स्विमिंग पूल रहे या बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस, बास्केटबॉल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिम है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें वहाँ पे एक्सेस मिलेगा। और हम यही एनकरेज करेंगे बच्चों को कि एक नई लाइफस्टाइल होनी ज़रूरी है, फिट एंड हेल्दी। और कभी कभी मेरे दिमाग में ऐसे आती है चीज़ कि हम एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, हम खेलते नहीं है खुद, तो यही एक कल्चर मैं चेंज करना चाहूँगा। एक छोटी सी कोशिश है कि एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन के जगह अगर हम एक स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन बन जाते हैं तो सभी लोग हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे, यही हमारी कोशिश है। मैं ये कहूँगा कि दोनों तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक ही तरफ ध्यान रहना चाहिए और दूसरी तरफ कोई अगर इग्नोर कर रहा है, तो वो बैलेंस करना ज़रूरी है। जब ग्राउंड पे हो तो सिर्फ गेम के बारे में सोचो, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचो। आई थिंक ये बैलेंस लाइफ में अगर आप रह कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक पेरेंट्स को एक मैसेज है कि चाहे वो स्टडीज़ में रहे या कोई स्पोर्ट में रहे, बच्चों में प्रेशर मत डालिए। एक नहीं तो हमेशा एक टेंडेंसी होती है कि परफॉर्मेंस का प्रेशर डालते हैं, उन्हें एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, और अगर उनके ऊपर प्रेशर डालते हो तो मुझे नहीं लगता कि वो सही चीज़ है, क्योंकि हर बार कहीं ना कहीं एक थिंकिंग ऐसी होती है कि कंपैरिजन शुरू होती है कि ये तुमसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, ये तुमसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, व्हाटएवर। तुम्हें यही ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा कल था उससे क्या वो आज बेहतर है या नहीं, और आज जो है उससे कल बेहतर बन सकता है, उसकी कंपटीशन उसी खुद के साथ होनी चाहिए, किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ कि ना, चेज योर ड्रीम्स, तो किसी और के ड्रीम्स मत चेज करो कंपटीशन में, कंटिन्यू टू चेज योर ड्रीम्स, और यही मेरा मैसेज रहेगा पेरेंट्स को। थैंक यू।